मैं मित्तल आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी आए हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। तो अभी हम जाने वाले यहाँ से कानपुर की ओर, तो कानपुर में थोड़ा कुछ काम था। तो आइए वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं आपको मुगल सराय स्टेशन के बाहर के कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं, जो कि रेल इंजन है अंग्रेजों के ज़माने का, आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं फिर यहाँ के कुछ नज़ारे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। यह जो इंजन है लगभग इस पर जैसा लिखा हुआ है 1957 में बना था, और कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेशन के बाहर में बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लगा है, जो कि देख सकते हैं आप इस प्रकार है। और यहाँ जो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ बाहर का कुछ ऐसा लुक है। और कहा जाता है कि यहाँ पे भारत के किसी भी राज्य में आप यहाँ से ट्रेन पकड़ कर जा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे डिलेक्स शौचालय भी है। तो वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको कुछ आगे के नज़ारे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बनारस की आकृतियाँ यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही मस्त और अच्छा दिखने को लग रहा है। और यहाँ पे यात्री के लिए बैठने के लिए जगह भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, काउंटर टिकट। और यहाँ से स्टेशन की ओर प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता है। तो वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, और इन्हीं के नाम पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम पड़ा हुआ है। यहाँ के कुछ नज़ारे हैं, जो कि यहाँ पे स्टेशन के दीवारों पे, प्लेटफॉर्म के जाने वाले रास्तों पे, यहाँ पे काशी कुछ पेंटिंग बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बच्चों के द्वारा बनाया हुआ यहाँ पेंटिंग है, पेंटिंग बाय स्टूडेंट्स ऑफ फाइन आर्ट्स। यहाँ पे कई जगह पे बनाया हुआ है। और यह सीढ़ी जो जाता है प्लेटफॉर्म की ओर, तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाना हो आप उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं इसी सीढ़ी के रास्ते। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगभग जो वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ के दीवारों पे कुछ पेंटिंग लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो वीडियो में बन रही है और देखिए यहाँ के नज़ारे। और हालांकि जो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं कोई भी गंदगी नहीं है। तो क्या आपसे आग्रह है कि अगर स्टेशन पे किसी भी स्टेशन पे आप जाते आते हैं तो खाए या पिए, तो डस्टबिन में कचरा डालें। यहाँ पे ऊपर में भी सीढ़ी के रास्ते पे भी डस्टबिन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जितने भी डस्ट हैं, कचरा है, जो भी आप डस्टबिन में ही डालें, तो जैसे कि गंदगी ना फैले स्टेशन पे। तो हालांकि यहाँ के स्टेशन की दीवारों पे बहुत ही अच्छे से पेंटिंग लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और हमारा ट्रेन जो है बस स्टेशन पे पहुंचने वाला है, तो चलते हैं ट्रेन पकड़ते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारा आप चैनल पे नए हैं तो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।